हाय गाइज, वेलकम टू ट्रिपल ए कार लाइफ चैनल। ये गाइज हमारी ह्युंडई कोना इलेक्ट्रिक, इस टाइप से आपको कीज मिलती है। इसमें दो कीज प्रोवाइड की जाती है विद लॉक, अनलॉक एंड बूट रिलीज करने के लिए बटन। सो गाइज फ्रंट से बात करते हैं। फ्रंट में जो आपको ग्रिल मिलते हो तो आपको शील्ड ऑफ मिलते हैं सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, सेम आपको यहाँ भी मिलता है। सिल्वर ट्रिम गाइज आपको फ्रंट में देखने को मिलते हैं जो आपके दोनों LED DRL से उनको कनेक्ट करता है। और यहीं पर गाइज आपको चार्जिंग पोर्ट प्रोवाइड किया गया, फास्ट चार्जिंग और नॉर्मल चार्जिंग दोनों आप यहीं से कर सकते हैं। और इसी में राइट साइड में गाइज ऊपर आपको बैटरी इंडिकेटर भी दिख जाता है, जिससे आपका बैटरी का जो चार्ज है कितना लेवल आपको आप यहाँ से देख सकते हैं। ये गाइज आपके गाड़ी का LED DRL। रूनी के पीछे गाइज आपको टर्न इंडिकेटर प्रोवाइड किए गए, बट वो LED नहीं है, वहाँ पे आपको हेलोजन मिलते हैं। ये गाइज आपके LED हेडलैम्स विद ऑटो लेवलिंग एंड कोरोनिंग फंक्शन, यहाँ पे आपको AM प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि फंक्शनल है। और लोअर पोर्शन पे गए जो बंपर पे है वहाँ पे आपको सिल्वर कलर की फिनिश देखने को मिल जाती है। नीचे के जो AM है वो गाइज ओपन है। तो गाइज गाड़ी के हम लोग साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। साइड प्रोफाइल में गाइज अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको बॉडी क्लाइडिंग देखने को मिल जाती है व्हील आर्चेस पे। और जो गाइज डोर का लोअर पोर्शन है वहाँ पे भी आपको बॉडी क्लाइडिंग देखने को मिलती है 17 इंचज की गाइज, यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें टायर साइज आपको मिलता है 215x55, 215 आपकी टायर की विड्थ और जो 55 है आपकी टायर की वॉल थिकनेस है। यहाँ पे गाइज आपको जो बॉडी क्लाइडिंग है यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। और जो गाइज फेंडर है, फेंडर पे गाइज आपको ब्लू ड्राइव की बैजिंग देखने को मिलती है दोनों साइड। और जो गाइज टर्न इंडिकेटर वो आपको ओरियम पे ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइज ऊपर की साइड आपको देखने को मिलता है आपका गाड़ी का सनरूफ, रूफ रेल्स। जो सनरूफ है गाइज आपको पैनोरोमिंग यहाँ पे नहीं मिलते, बट फिर भी काफी वाइड ओपन होती है, एक पर्सन आपका इजीली यहाँ से एक्सेस कर सकता है, बाहर निकल सकता है। यहाँ पे आपको रियर में एंटेना मिलता है, शार्फिन एंटेना आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया। नीचे की साइड भी गाइज यहाँ पे आपको बॉडी क्लाइडिंग मिलती है, डोर पे भी गाइज आपको सिल्वर ट्रिम देखने को मिल जाता है। इसमें गाइज आपको फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है, पैसेंजर साइड एंड ड्राइवर साइड दोनों साइड पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइज कुछ आपको डिजाइन एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं जो इसका जो थोड़ा बहुत जो एरोडायनेमिक्स है वो भी आपका इंक्रीज करते हैं। तो गाइज गाड़ी के हम लोग रियर प्रोफाइल की बात करते हैं, इसमें आपको LED टेल लैंप्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सिर्फ ब्रेक लाइट जो गाइज वो आपके LED है, बट जो नीचे आपका रिवर्स लैंप और जो आपका टर्न इंडिकेटर आपको LED प्रोवाइड नहीं किया गया, आपको नॉर्मल हेलोजन लैंप्स ही वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। गाड़ी का गाइज पीछे का जो बम्पर है वहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिलती है लोअर पोर्शन पे। और उसके ऊपर गाइज आपको चार पार्किंग सेंसर्स में यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बम्पर रियर में गाइज आपको डुअल फिनिश में मिलता है सिल्वर एंड ब्लैक कलर में, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक की बैजिंग देखने को मिलती है। रियर में गाइज आपको रियर वाइपर विद डीफोगर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। सेंटर में आपको ह्युंडई का लोगो देखने को मिल जाता है। और गाइज टेल गेट की बात करते हैं, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट प्रोवाइड किया गया। और यहीं पे गाइज जो आपका रियर कैमरा वो आपको यहाँ पे एम्बेडेड देखने को मिलेगा। और गाइज बूट की बात करते हैं, जो कोना में आपको बूट स्पेस मिलता है वो मिलता है आपको 332 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया। लेफ्ट साइड में गाइज यहाँ पे आपको बूट लैंप प्रोवाइड किया जाता है, LED बूट लैंप पे गाइज। उसके आगे आपको हुक देखने को मिल जाता है, कोई भी आपका आइटम जो आप हैंग कर सकते हैं वहाँ पे। ये गाइज आपका गाड़ी का पोर्टेबल चार्जर जो कि आपको मिलता है 2.8 किलोवाट्स का। इसको गाइज हम लोग बोलते हैं ICCB, मतलब ये जो था आपका इन केबल कंट्रोल बॉक्स। इससे गाइज जो आपकी गाड़ी है आपकी चार्ज हो जाती है लगभग 19 घंटे में, फुल चार्ज हो जाती है आपकी 0 से 100% पे। और इस गाड़ी को चार्ज करने के लिए आपको दो और ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। एक आपको मिलता है DC क्विक चार्जर जिसका आउटपुट आपका 50 kV, उसको बोलते हैं CCS टाइप 2। ये गाइज आपका फास्ट चार्जर, इसमें जो आपकी गाड़ी 0 से 80% है वो आपका विद इन 1 आवर चार्ज हो जाती है। और जो गाइज दूसरा आपको टाइप मिलता है वो मिलता है आपको AC वॉल बॉक्स चार्जर। ये गाइज आपको सिलेक्टेड शोरूम पे आपको कार के साथ फ्री भी मिलता है, जिसका चार्जिंग टाइम है आपका 6 आवर्स 10 मिनट फॉर फुल चार्ज। जो इस बूट की बात करते हैं, गाड़ी में आपको मिलता है 332 लीटर का बूट स्पेस। यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट्स भी देखने को मिल जाती है रियर में, यहाँ पे आपको कुछ कभी स्पेस मिल जाता है, कुछ भी अपना आइटम प्लेस कर सकते हैं। ये गाइज आपकी गाड़ी की टूल किट, इसमें आपको गाइज जो बूट नेट है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है गाड़ी के साथ ही। अगर स्पेयर व्हील की बात करते हैं, यहाँ पे आपको स्पेस सेवर टायर प्रोवाइड किया जाता है। इसकी जो वेट था वो आपको मिलती है 135x80 R17 17 इंचज का मिलता है, बट जो आपकी वेट था वो काफ़ी कम यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है। नीचे आपको जैक देखने को मिल जाता है गाड़ी का। बूट में गए आपको रियर में पार्शियल ट्रे भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। सो गाइज इंटीरियर में चल के बात करते हैं, जो आपको फ्रंट डोर पैड होगा आपको फुल ब्लैक ट्रीटमेंट में प्रोवाइड किया गया, बट जो आपको डोर हैंडल है गाइज वहाँ पे आपको सिल्वर कलर का फिनिश देखने को मिलता है। और इस कंट्रोल्स की बात करते हैं, इसमें आपको जो कंट्रोल्स मिलते हैं डोर पैड पे वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं गाइज आपको ओरियम के कंट्रोल है वो मिल जाते हैं। ओरियम गाइज आपका इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। बाकी आपको चाइल्ड सेफ्टी और जो आपको पावर विंडोज है उसके कंट्रोल आपको देखने को मिल जाते हैं। नीचे की साइड गाइज जहाँ पे आपको कुछ डोर पॉकेट मिलता है और स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है। और जो ऊपर गाइज आपका डोर हैंडल है वहीं पर आपको ट्विटर की भी प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। और डैशबोर्ड की बात करते हो गाइज, जो आपका डैशबोर्ड आपको फुल ब्लैक ट्रीटमेंट में यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ड्राइवर सेट विंडो में गाइज आपको ऑटो अप एंड ऑटो डाउन फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है विद एंटी पिंच। जिसमें गाइज आपको सीट्स प्रोवाइड की गई, आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स प्रोवाइड की गई विद 10-way एडजस्टमेंट। इसमें आपका लंबर सपोर्ट, आपका फोर्थ एंड फ्रंट मूवमेंट और जो आपका बैक रेस्ट है वो भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली।
यहाँ पे गाइस आपको गाड़ी के पैडल्स देखने को मिल जाते हैं, डेड पैडल। यहाँ पे गाइस आपको मिलता है VESS ट्रैक्शन कंट्रोल, और जो आपका ऑटो चार्जिंग ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको इल्यूमिनेशन कंट्रोल के लिए बटन प्रोवाइड किया गया। ये गाइस गाड़ी का आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेफ्ट साइड में आपको मिलता है आपका पावर एंड चार्ज मीटर, राइट साइड में जो आपका टेम्परेचर मीटर वो मिल जाता है, और सेंटर में आपको दो स्क्रीन प्रोवाइड की गई है, एक आपका गाइस स्पीडोमीटर और उसके राइट साइड में आपको मिल जाता है आपका MID स्क्रीन। MID स्क्रीन पे गाइस आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे आपका आउटसाइड टेम्परेचर हो गया, जो आपका ट्रिप मीटर है वो आपको मिल जाता है, और जो आपकी डोर कोई सा भी ओपन है उसकी आपको वार्निंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, कंजम्पशन इन्फो आपको देखने को मिल जाता है, एवरेज आपको देखने को मिलती है, और इसमें गाइस जो आपकी यूजर सेटिंग्स है उसमें गाइस आपका डोर लाइट साउंड कन्वीनियंस सर्विस इंटरवल्स अदर फीचर्स जो रीसेट वाले फंक्शन भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अगर हम डोर में जाते हैं तो गाइस यहाँ पे आपको ऑटो लॉक एंड अनलॉक वो आप यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लाइट्स में जाते हैं तो गाइस जो आपका टर्न इंडिकेटर हो, जो वन टच करने पे आपका कितनी बार ब्लिंक होगा वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और जो हेडलैम्प आपका डिले है वो आप चेंज कर सकते हैं, और जो गाइस आपका जो पार्किंग सेंसर्स की जो साउंड आती है आपके रिवर्स करते टाइम वो भी आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और जब आपकी कन्वीनियंस वाली सेटिंग अगर आप उसमें एंटर करते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे और फीचर्स मिलते हैं, जैसे आपका जो वेलकम मिरर है वो आपको ऑन करना है, वायरलेस चार्जिंग आपको ऑन करना है, जो आपका वाइपर लाइट डिस्प्ले है वो आपको ऑन करना है या नहीं करना है, आपका ऑटो रियर वाइपर ये सब आपको ऑन करना है या ऑफ करना है, ये सब आप यहाँ पे कन्वीनियंस की सेटिंग्स में जाके आप सेट कर सकते हैं। उसके नीचे गए आपको सर्विस इंटरवल की आपको वार्निंग मिल जाती है अगर आप उसको ऑन करना है या नहीं करना है। अदर फीचर्स में जाते हो तो गए आपका एनर्जी कंजम्पशन है, कंजम्पशन यूनिट, टेम्परेचर यूनिट, ये सब गए आप वहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। और अगर हम रीसेट में जाते हैं जो आपका रीसेट आपकी सारी सेटिंग्स यहाँ पे रीसेट हो जाएंगी। तो गाइस हम लोग गाड़ी की स्टेरिंग व्हील की बात करते हैं, इसमें आपको स्टेरिंग व्हील जो मिलता है आपको लेदर अप स्टेरिंग व्हील प्रोवाइड किया गया, फ्लैट बॉटम स्टेरिंग व्हील आपको यहाँ पे नहीं मिलता, राउंड स्टेरिंग व्हील ही मिलता है, बट जो स्टेरिंग व्हील आपको लेदर अप मिलता है वो सिल्वर फिनिश। और लेफ्ट साइड में गाइस जो आपको स्टेरिंग कंट्रोल मिलता है आपको वॉइस कमांड मिल जाता है टेलीफोनिक, और जो आपका इन्फोटेनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं वो सारे आपको प्रोवाइड किए गए, और राइट साइड में गाइस आपको क्रूज कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है, और जो आपका MID से रिलेटेड कंट्रोल्स है वो पेडल शिफ्टर्स भी गाइस इसमें आपको मिल जाते हैं, जिससे आपको जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है उसका लेवल यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। उसके पीछे गाइस आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में गाइस आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के आपको कंट्रोल प्रोवाइड किए गए हैं। जो गाइस आपका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड की जो आपके टॉप लेयर है वहाँ पे गाइस आपको लेदर फिनिश प्रोवाइड की गई है, जो कि आपको सॉफ्ट टच मटेरियल वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये गाइस आपका गाड़ी का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, यहाँ पे आपको टच स्क्रीन प्रोवाइड किया गया विद फिजिकल बटन्स, यहाँ पे आपको रेडियो मीडिया जो आपका ट्रैक है सीक करने के लिए सेटअप फोन और होम इसके लिए आपको बटन प्रोवाइड किया गया, पावर और वॉल्यूम कंट्रोल्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और गाइस इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करते हो यहाँ पे आपको जो कंट्रोल्स मिलते हैं आपको मिल जाते हैं EV फोन एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले, ये सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम EV वाले ऑप्शन में जाते हो तो यहाँ पे जो आपकी बैटरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिल जाती है, कितना आपका चार्ज यहाँ पे बचा हुआ है, आपकी चार्जिंग लिमिट यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, DC में चार्जिंग लिमिट आपकी क्या है DC AC चार्जर की, यहाँ पे आपको जो चार्जिंग मैनेजमेंट है वो आपको देखने को मिल जाती है, और इको ड्राइविंग मिलता है, और यहाँ पे गाइस आपको अमाउंट ऑफ CO2 भी दिखाता है अपना कितना CO2 रिड्यूस किया एज कम्पेयर टू द गैसोलीन व्हीकल्स। नीचे आपको मिल जाता है गाइस आपके AC के वेंट जिसकी सराउंडिंग पे आपको मिलता है सिल्वर कलर, और बीच में आपको सेंटर में मिल जाता है हैजार्ड के लिए बटन, और नीचे गाइस आपको मिलता है डुअल जोन AC कंट्रोल विद ऑटोमेटिक AC, इसमें गाइस आपको फिजिकल कंट्रोल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, लेफ्ट साइड में आपको टेम्परेचर नॉब मिलता है, राइट साइड में आपको फैन कंट्रोल नॉब, यहाँ पे गाइस आपको कुछ हिडन स्पेस मिल जाता है जिसमें गाइस आपका वायरलेस फोन चार्जर है, और ऑक्स और USB कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है इंफोटेनमेंट स्क्रीन के लिए। पीछे गाइस यहाँ पे आपको आपके गियर सिलेक्टर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं रिवर्स ड्राइव पार्क एंड न्यूट्रल, इसमें गाइस आपको दो कप होल्डर्स देखने को मिलते हैं, इसमें गाइस आपको इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक प्रोवाइड किया गया विद ऑटो होल्ड फंक्शनैलिटी। जो फ्रंट सीट से गाइस यहाँ पे आपको हीटेड एंड वेंटिलेटेड फंक्शन के साथ मिल जाती है, बाकी आपको यहाँ पे दो बटन्स मिलते हैं ऑटो होल्ड और जो ड्राइव मोड है उसके लिए, ड्राइव मोड गाइस में आपको तीन मिलते हैं इको कंफर्ट एंड स्पोर्ट, उसके पीछे गाइस कुछ आपको कभी स्पेस मिल जाता है, और आर्मरेस्ट गाइस काफ़ी आपको डीप मिलता है, बट कोई भी आर्मरेस्ट में आपको चार्जिंग ऑप्शन या कूलिंग फंक्शन आपको देखने को नहीं मिलता, ना ही आपका आर्मरेस्ट स्लाइड होता है। नीचे भी गाइस यहाँ पे आपको दो चार्जिंग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, उनके पीछे भी गाइस कुछ आपको कभी स्पेस मिल जाता है, आप वहाँ पर कोई भी आइटम अपना रख सकते हैं आपका फ़ोन वगैरह। जो इस गाड़ी के हम लोग ग्लव बॉक्स की बात करते हैं, ग्लव बॉक्स में गाइस आपको डिसेंट स्पेस प्रोवाइड किया गया, बट यहाँ पे आपको कोई भी कूलिंग ऑप्शन या कोई भी आपको इल्यूमिनेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। सो इस ओवरहेड में जो आपको पैसेंजर साइड सनवाइजर मिलता है वहाँ पे आपको वैनिटी मिरर विद लाइट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया, बट जो लाइट आपको मैनुअली ऑन ऑफ करनी पड़ती है, मिरर के साथ आपकी ऑन नहीं होती है। सेंटर में आपको दो केबिन लाइट्स प्रोवाइड किए गए, LED लाइट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, उसके सेंटर में आपको मिलता है जो आपको सनरूफ का कंट्रोल है वो, जो आपका ब्लाइंड है गाइस आपको मैनुअली आपको क्लोज करना पड़ता है, ओपन तो गाइस आपका सनरूफ के साथ ही हो जाता है, बट आपको क्लोज है आपको मैनुअली क्लोज करना पड़ता है, कुछ इस टाइप से गाइस आपका इतना वाइड सनरूफ ओपन होता है। ड्राइवर साइड सनवाइजर पर भी गाइस यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर और लाइट दोनों देखने को मिल जाता है, यहाँ पे भी गाइस जो आपको लाइट आपको मैनुअली ओपन करनी पड़ती है, मिरर के साथ आपकी ओपन नहीं होती है।
इलेक्ट्रोक्रोमिक गाइस, यहाँ पे आपको रियर व्यू मिरर प्रोवाइड किया गया है। सो गाइस हम लोग गाड़ी के रियर में चल के बात करते हैं, जो आपका रियर डोर पैड है गाइस वो भी आपको सेम फ्रंट जैसा ही फिनिश मिलता है ब्लैक कलर में, और जो आपको डोर हैंडल मिलता है लॉक हैंडल वो आपको मिलता है सिल्वर कलर में फिनिश। बाकी आपको नीचे डोर पॉकेट्स मिल जाते हैं, और जो आपका पावर विंडो का स्विच है वो आपको देखने को मिल जाता है। रियर सीट की बात करते हो गाइस, यहाँ पे आपको रियर सीट मिलती है 60-40 स्प्लिट सीट में, और यहाँ पे आपको रियर में आर्मरेस्ट भी प्रोवाइड किया गया विद 2 कप होल्डर्स। हेडरेस्ट गाइस आपको रियर में भी एडजस्टेबल मिलते हैं, और 3 हेडरेस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। एसी वेंट गाइस आपको रियर में यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है कोना में। इस टाइप से गाइस आपको डैशबोर्ड दिखता है रियर से देखने में। यहाँ पे भी गाइस आपको सनरूफ के पीछे कैबिन लाइट मिलता है, ये भी आपके एलईडी ही है फ्रंट की तरह ही ब्लू लाइट। तो गाइस हम लोग गाड़ी की स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें गाइस आपको बैटरी प्रोवाइड की गई है, आपको मिलती है परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर जिसको हम बोलते हैं PMSM, और इसमें गाइस आपको मैक्स पावर मिलती है आपको 136 PS यानी कि 100 KV, उसमें आपको जो टॉर्क मिलता है वो मिलता है आपको 395। तो गाइस इसमें जो आपको बैटरी कैपेसिटी मिलती है वो आपको मिलती है 39.2 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी इसमें आपको प्रोवाइड की गई है, जिससे आपको रेंज जो ARI क्लेम्ड है वो तो गाइस आपकी 452, बट गाइस जो रियल वर्ल्ड कंडीशन में आपको इन बिटवीन मिल सकती है 350-370 या 390 तक भी आप जा सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर। अगर सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको टॉप नॉच सेफ्टी प्रोवाइड की गई, 5 स्टार इसमें आपको सेफ्टी रेटिंग मिल जाता है, 6 एयरबैग इसमें आपको प्रोवाइड किए गए, और गाइस आपका CKD यूनिट है कंप्लीट नॉकडाउन यूनिट, इसका मतलब इसके जो भी पार्ट्स हैं सारे आपके इंपोर्ट होते हैं इंडिया में, सिर्फ इंडिया में आपके आपके असेंबल्ड होते हैं, कोई भी पार्ट इसका इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता है। सो गाइस अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगे देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो।